Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the video and also click the bell icon. Okay friends, तो आज friends हम start करने आ रहे हैं transfect बहुत important topic है, खासकर coordination chemistry में. एक दो question CSIR, NET या GATE में question पूछे जाने हैं, मतलब ये तो 100% बात है कि एक या दो question पूछ ही लेता है वो. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं transfect. तो transfect स्पेशली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पर लगता है और इन जनरल प्लेटिनम वाले मेटल पर ज्यादा लगता है. ओके फ्रेंड्स, तो ट्रांसफेक्ट क्या होता है? ट्रांसफेक्ट उन्हीं का ज्यादा होगा जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं. जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वही ट्रांसफेक्ट ज्यादा शो करते हैं. तो स्पेशली क्या होता है, जिन भी सब्स्टिट्यूएंट्स का जो भी ग्रुप हो गए, जो भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गए, जिनका ट्रांसफेक्ट ज्यादा होगा ना, तो वो अपने ट्रांसपोजिशन से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव कर देंगे. ओके फ्रेंड्स, और उसकी जगह खुद लग जाएंगे. ठीक हो गया फ्रेंड्स, जिनका ट्रांसफेक्ट ज्यादा उनकी अपनी ट्रांसपोजिशन से और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को हटा देते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए फ्रेंड्स ट्रांसफेक्ट की सीरीज आती है, तो ये सीरीज हमें याद करनी ही पड़ेगी. ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान ट्रिक हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा आपको ट्रांसफेक्ट की सीरीज याद करना. तो पहले देख लेते हैं ट्रांसफेक्ट की सीरीज होती क्या है. ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो इसमें साइनाइड आता है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनओ और C2H5 यानी मिथाइल इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा इनका होता है ट्रांसफेक्ट. फिर PR3 आता है, फिर हाइड्राइड आता है, फिर C6H5 फिनाइल आ जाता है, फिर नाइट्रेट आ जाता है, NO2- हो जाता है, फिर आयोडीन का हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, फिर साइनाइड का हो जाता है, फिर इज लेस देन ब्रोमीन, फिर लेस देन क्लोरीन, फिर लेस देन पेरिडीन, फिर लेस देन अमीन, और फिर लेस देन OH- और फिर लेस देन वाटर. वाटर का सबसे कम होता है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स ये तो ट्रांसफेक्ट हो गया. अब हम रट्टा कैसे मारे कि हमें याद करनी है, तो इसके लिए मेरा ये ट्रिक है, बहुत आपके बहुत काम आने वाली है, ट्रिक टू लर्न. तो क्या होता है फ्रेंड्स, सना कोई नहीं, इथे प्रिया है. ओके फ्रेंड्स, फना नहीं आई थी, ब्रेड काले, प्यारी अम्मा लाई वाटर. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं ये हो क्या रहा है. देखें तो सना का मतलब हो गया फ्रेंड्स साइनाइड. ओके फ्रेंड्स, सना का मतलब हो गया साइनाइड. कोई का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है फ्रेंड्स, नहीं का मतलब हो गया एनओ, और इथे का मतलब हो गया इथाइल. ओके फ्रेंड्स, फिर इज लेस देन प्रिया का मतलब हो गया PR3. अब PR3 के आर बदलते जाओ, PH लगा दो, RCH3 लगा दो. ओके फ्रेंड्स, है का मतलब हो गया हाइड्राइड. फिर इज ग्रेटर देन फना का मतलब हो गया फिनाइल हो गया. ओके फ्रेंड्स, नहीं का मतलब हो गया NO2- हो गया, और थ्री का मतलब हो गया फ्रेंड्स सना कोई नहीं, सॉरी आई का मतलब हो गया I- हो गया फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, तो थी का मतलब हो गया SCN, मतलब थायोसाइनेट. थी का मतलब हो गया थायोसाइन. ओके फ्रेंड्स, इज ग्रेटर देन ब्रेड का मतलब हो गया Br- हो गया. ओके फ्रेंड्स, Br- Cl- मतलब ब्रेड काले, Cl- मतलब काले हो गया. PY हो गया प्यारी. ओके फ्रेंड्स, प्यारी मतलब PY. और अम्मा का मतलब हो गया NS3. ओके फ्रेंड्स, अम्मा लाई का मतलब हो गया OH- हो गया, ये आप जोड़ देना. ठीक है, और वाटर का मतलब हो गया H2. तो फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपको ट्रांसफेक्ट सीरीज याद करनी है, तो कहने का मतलब ये है कि सना कोई नहीं, इथे प्रिया है, फना नहीं आई थी, ब्रेड काले, प्यारी अम्मा लाई वाटर. ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद हो जानी चाहिए, मैंने बहुत ईजी कर दिया. ओके फ्रेंड्स, तो स्पेशली होता क्या है, जिनका ट्रांसफेक्ट, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं उनका ट्रांसफेक्ट ज्यादा होता है, और वो अपनी ट्रांसपोजिशन से अपने मतलब जिनका कम ट्रांसफेक्ट है उसको हटा देते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो स्पेशली क्या होता है, अगर मैंने एग्जांपल लिया है CO2 कोबाल्ट का PtCl2. ओके फ्रेंड्स, तो ये मेटल हो गया, तो ये जो लिगेंड है ना, ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, होता क्या है, जो मेटल और यानी PπDπ की बॉन्डिंग हो जाते हैं, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है. तो आपको पता ही है, आपने MCO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में भी देखा था, अगर MC की बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर ज्यादा हो जाती है, तो इधर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, इधर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ने से वो इजिली रिमूव हो जाता है, और ये स्पेशली इन ट्रांसपोजिशन में होता है. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ट्रांसफेक्ट हो गया. अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रेंड्स, तो फिर इसके हिसाब से मतलब ट्रांसफेक्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए होगी. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रांसफेक्ट से रिलेटेड. बहुत इजी है फ्रेंड्स से ट्रांसफेक्ट. तो फ्रेंड्स जैसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका गेट में आ रखा है, आप हमें ये बताना है कि मोस्ट सुटेबल आपका रूट बताना है टू प्रिपेयर द ट्रांसआइसोमर. अब हमें ट्रांसआइसोमर प्रिपेयर करना है ऑफ PtCl2 NS3. ये मतलब इसका हमें ट्रांस आइसोमर प्रिपेयर करना है, किससे बनेगा, PtCl4 2- with PpS3 followed by NS3
रिएक्शन विद NH3 PTCl4 2 माइनस विद NH3 फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ PPS3 ओके फ्रेंड्स PTNH3 होल 4 2 माइनस विद HCl फॉलोड बाय रिएक्शन विद PPS3 और PTNH4 2 माइनस विद PPS3 फॉलोड बाय विद HCl। तो फ्रेंड्स अगर हम मैं पहले ही कोई एग्जांपल पहले ही ऑप्शन को लेता हूं कि PTCl4 ये कह रहा है PTCl4 2 माइनस ओके फ्रेंड्स विद PPS3 मतलब PPS3 के साथ रिएक्शन करवा दो फ्रेंड्स इसकी PPS3। तो फ्रेंड्स देखो क्या होता है, तो क्या होगा फ्रेंड्स अगर ये PTCl4 है ये तो एक पीटी एक सीएल रिमूव हो जाएगा और PPS3 आके लग जाएगा ओके फ्रेंड्स। तो पहली कंडीशन में तो यही होगा PPS3 लग जाएगा, ये सीएल होगा, ये सीएल होगा, ये सीएल होगा ओके फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन पुटअप होता है, अब कहानी शुरू होती है कि जिसका ट्रांसफेक्ट मैंने आपको अभी बताया था जिसका ट्रांसफेक्ट ज्यादा होगा ना वो अपने ट्रांसपोजिशन से उस वाले नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर सकता है। तो अब PPS3 देखते हैं, तो फ्रेंड्स देखो PPS3 का मतलब हो गया PR3, मैंने आपको बताया था कि मतलब PR3 आर की जगह कुछ भी लगा दो तो PPS3। तो कहने का मतलब है PPS3 का ट्रांसफेक्ट ज्यादा है तो वो अपने ट्रांसक्लोरीन को एग्जिट कर देगा, रिमूव कर देगा ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं विद NH3 किससे रिएक्शन करा देगा विद NH3 के साथ ओके फ्रेंड्स NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या क्या बन जाएगा फ्रेंड्स पीटी ये सीएल PPS3 और ये NH3 ओके फ्रेंड्स। तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया, तो ट्रांस आइसोमर हमारा प्रिपेयर्ड हो गया ओके फ्रेंड्स। तो अगर है ठीक हो गया ये ट्रांस आइसोमर इसका प्रिपेयर्ड हो गया ओके फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगर बी वाले ऑप्शन में HCl का भी क्लोरीन का भी कम होता है तो वो अपने ट्रांसपोजिशन से नहीं हटा पाएगा। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं तो PTCl4 प्लस NH3, तो पहले NH3 के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो PTCl3 NH3 बन गया। अब अगर मैं विद PPS3 के साथ रिएक्शन तो NH3 का जो ट्रांसफेक्ट है वो कम है PPS3 से, तो वो NH3 उसके ट्रांस से नहीं हटा पाए तो सिस में लगाना पड़ेगा ओके फ्रेंड्स, सिस में लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसका क्या ऑप्शन हो जाना चाहिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ओके फ्रेंड्स। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं फ्रेंड्स मैं, ये आया है नेट में आया है फ्रेंड्स ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो नेट में ये क्वेश्चन आया है, ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन PTCl4 2- + NO2 गिव्स ए देन NH3 के साथ रिएक्शन बी, तो कंपाउंड बी बताना है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं PTCl4 है तो ये PTCl4 है 2- ओके फ्रेंड्स। तो ये NO2 के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या होगा फ्रेंड्स ए कंपाउंड ये बनेगा, एक Cl रिमूव हो जाएगा PTCl और यहां पर NO2 आ जाएगा ओके फ्रेंड्स, ये Cl हो जाएगा। तो अब रिएक्शन हो रही है NH3 के साथ। अब फ्रेंड्स देखने वाली बात है अगर NH3 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर NH3 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा हुआ तो वो क्लोरीन को हटा देगा, बट फ्रेंड्स होता क्या है NO2 का। अब देखिए फ्रेंड्स जो NO2 है ना NO2 का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज्यादा होगा, ये आपको दिख भी रहा है यहां पर NO2 है और यहां NH3, तो ये क्या करेगा ये इसके अपने ट्रांसपोजिशन से क्लोरीन को हटा देगा और NH3 लग जाएगा ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा पीटी ये NO2 और ये NH3 ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये क्लोरीन हो गया ये क्लोरीन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स ट्रांस, तो ये बन जाएगा ट्रांस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो ट्रांस PTCl2 PTCl2 NO2 NH3 और ये नेगेटिव चार्ज ओके फ्रेंड्स। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा ओके फ्रेंड्स। तो ये ट्रांस इफेक्ट है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा ट्रांस इफेक्ट को जानने के लिए और कि कैसे रिएक्शन हो रही है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाना और लास्ट तक जरूर देखना ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।